भांडा धोवै कौन? हजूर ये सवाल करते पे हैं। भांडे दे लफ्ज असी लफ्जी अर्थ जारी जानने उनू पात्र कह लो। इहदा मतलब ओ पात्र जिस विच कोई वस्तु टिकाई जांदी है। महाराज जी ने इत्थे शब्द वरते है भांडा, भांडा दा लफ्जी अर्थ कीता पात्र जिहदे विच कुछ टिकिया टिक जाए। इत्थे भांडा सतगुरु ने मनुख दे शरीर नू कहा है, इंसान दी बॉडी नू कहा भांडा। धोवै कौन? इस शरीर भांडे नू कौन धो सकदा है, कौन धोवेगा? ते गुरु साहब अगे बचन करदे आ, जे कच्चा साजिया, उस साजन वाले ने इस भांडे नू कच्चा बनाया है। जिसने कच्चा भांडा बनाया मालक ने, इस कच्चे भांडे नू आपां किवें धो सकने हां? अखरी अर्थे ने भांडा धोवै कौन? जे कच्चा साजिया, जिन्हों धोना है वो ही कच्चा है। हुण जिवें कच्ची मिट्टी का भांडा पक्का ना होवे, ते जिन्ना पानी आपां भांडे च पा के धोण दा यतन करांगे, कच्ची मिट्टी विच्चों कच्ची मिट्टी दे भांडे विच्चों सिर्फ ते सिर्फ मिट्टी खुर के बाहर निकलेगी, उन्हें धुपना कोई नहीं, उहदा मैलापन नहीं खत्म हो सकता। जिवें असीं बचन हुणे पढ़िया कि कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, ते अगले बचन ने माटी का क्या धोपै स्वामी, मिट्टी नू पा के आपां पानी च मली जाइए, सारी जिंदगी मिट्टी नू धोंदे रहो प्यारिओ, मिट्टी दी मैलापन कदी नहीं जाना। गुरु साहब कहिंदे आ इह मिट्टी दा भांडा है कच्चा, इहनू कौन धोवेगा? क्योंकि इह जिन्ना धोण दा यतन करांगे मलीनता होर है। बड़ा प्यारा महाराज दा बचन कह जी, सिर्फ पहला अखरी अर्थ भांडा धोवै कौन जे कच्चा साजिया। अगे महाराज कहिंदे धातु पंज रलाए, इहदा अर्थ पंजां तत्तां नू कठियां करके। अगे अर्ज करांगा गुरबाणी विच धातु दे लफ्जी अर्थ होर भी ने, इत्थे सीधे अर्थ करांगे पंजां तत्तां नू कठियां करके रला लिया ते कूड़ा पाजिया। पंजां तत्तां नू कठियां करके बना दिता, पर धन गुरु नानक साहिब कहिंदे सच एवे, पांच दा अर्थ विखावा हुंदा है, मिथ्या है। कहिंदे जो कुछ पंजां तत्तां नू रला के बनाया है सचमुच ये वेखण विच नाशवंत है, ये सिर्फ विखावे मात्र है। अगे फिर गुरु साहब बख्शिश करदे आ, भांडा आणग रास, आणग दा लफ्जी अर्थ है लियावेगा करेगा, रास दा अर्थ आपां करांगे सूत, सूत अर्थ जां इहों शब्द वरतो अज दे इस प्रकरण विच कि भांडा साफ करन वास्ते लियावेगा, भांडा साफ होएगा किवें? जां तिस भाव सी, जदों उहनूं पा गया ते उह भांडे नूं साफ कर लएगा, साफ कर देवेगा, भांडा सूत आ जाएगा। ते गुरु साहिब कहिंदे ने परम जोत जागाए, इसे भांडे दे अंदर परम जोत परमात्मा उस दे नाम दा दीपक बलेगा। ते महाराज बचन करदे आ वाजा वापसी, इसे शरीर दे विच परमेश्वर दे शब्द दा आनंद वाजा निरंतर चलन वाला सिमरन चल पवेगा। इह सन इन्हां चार तुकां दे सिर्फ थोड़े जिहे अखरी अर्थ। हुण आपां इहनूं विस्तार सहित गुरु साहिब दी कृपा नाल विचारन दा यतन करने हां। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च इस शरीर दे बारे, इस साडे स्ट्रक्चर दे बारे, ढांचे बारे गुरु साहिब जी ने बेअंत बचन कीते। इहनूं सतगुरु ने अज शब्द कच्चा ते भांडा कहा है। ते उंज गुरु साहिब जी दी बाणी च असीं बहुत थावां ते जदों इस शरीर बारे पढ़ने हां ते गुरु साहिब इहनूं भांडा शब्द होर थावां ते वरदे ने। दास ने इक वार अर्ज़ कीती सी जिहड़ा शब्द असीं भंड वी पढ़ने आ, भंड जम्मी है भंड निम्मी है, उह शब्द वी भांडे तों बणिया है, उह पुरश लई नहीं हैगा,
ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਤਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਭੰਡ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਇਹ ਭੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਂਡਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਬਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੇਸ ਸੰਜਮ ਕੋ ਜਾਪ ਸੋ ਜਪਾ ਜਾਪੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ ਕਾਲ ਨਾ ਕਹੂੰ ਵਿਆਪੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੱਚਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਗੌਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਆ ਪੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਖੈ ਉੱਥੇ ਪੂਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਤਲਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਖੈ ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਖੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਖੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਖੈ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਖੈ ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਦ ਖੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਖੈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਬ ਕੁਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਖੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਖੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫਿਰ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁਤਰਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਵਰਤਨੇ ਆ ਬਰਤਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਕੀ ਉਨੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਵਰਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਤਰਾ ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ ਮਾਨਸ ਰਾਖਿਓ ਨਾਉ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਪੌਣੇ ਬੜ ਬੜ ਰੂੰਦੈ ਠਾਉਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਰੱਖੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਪੁਤਲੇ ਬਾਰੇ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਗਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੈਦ ਵੀ ਦਵਾਈ ਪੁੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪੁੜੀ ਬੰਨੀ ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਧੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਿਲਰਨਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਪੁਤਲਾ ਭਾਂਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੁੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਭਾਂਡੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘੱਟ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟੇ ਘੜੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਫਿਰ
होर बाणी चो असीं देखिए एक सलोक सहस्कृति दे आरंभ विच महाराज दा एक सलोक के काच कोटंग रचंत तोयंग लेपनंग रक्त चरमन नवंगता द्वारंग पीत रहतंग बाय रूपंग अस्थम ने। गुरु अर्जुन साहब जी कांच कोटंग कच दा किला है रचंत तोयंग इस कच दे किले दी जड़ी रचना है वह परमात्मा ने तोए दा अर्थ हुंदा पानी नीर पिता दी एक बिंद दी बूंद नाल कीती है। कांच कोटंग रचंत तोयंग लेपनंग रक्त चरमन इस कच दे किले उत्ते परमात्मा ने खून दा ते चमड़ी दा लेपन कीता होया है। लेपनंग रक्त चरमन नवंगता द्वारंग नौ दरवाजे ने भित कोई नहीं नवंगता द्वारंग पीत रहतंग बाय रूपंग अस्थम ने दरवाजे नौ ने भित कोई नहीं ताक कोई नहीं पर एक कच दा किला सिर्फ ते सिर्फ सवासां दी थम्मी नाल खलोता है जिदन थम्मी निकलेगी उदन कच दे किले ने टुट जाना है। गुरु साहब ने इत्थे शब्द कांच कोटिंग देखो अज ये भावें श्लोक कई दिन विचारन वाला सी पर मैं समय विच रह के अचानक इस दी समाप्ति कर सका। हुण इत्थे गुरु साहब ने कच दा किला किया गुरु साहब जी दी बाणी विच इक भगत साहब दा होर बचन हुंदा सिर्फ थोड़ चिरे लई वो एक बचन है जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा। हुण उत्थे महाराज जी ने जल की पीत पानी दी कंध जल की पीत पवन का थंबा कंधा एदियां पानी दियां ने ते खलोता जिहड़ा है इह सवासां दे थम दे सारे जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा उत्थे शब्द रक्त बूंद है बूंद अर्थ करांगे खून दा ते पानी दी बूंद दा गारा लगा है हाड़ मास नाड़ी को पिंजर हड्डियां दा चम दा मास दा इह पिंजरा है ते इहदे विच इस भांडे च कौन रहिंदा पंखी बसे बिचारा इस ढांचे विच एक पंछी रहिंदा है। उत्थे भी महाराज ने शब्द वरते है जी जल की पीत सिर्फ एक बेनती आरंभ विच इस करके मिट्टी दा पुतला कच दा किला मिट्टी दा भांडा मिट्टी दा ढांचा पहली गल ते मिट्टी शब्द ही क्यों वरतिया है मिट्टी बहुत महाराज ने शब्द वरते है माता धरत महत आप सारे पढ़ने माता धरत महत का लफ्जी अर्थ है वड्डी माता धरत महत का अर्थ है वड्डी मां धरती वड्डी मां है। असल च सब कुछ एक तो हुक्म रूप विच है भी जो कुछ साजिया असल च मिट्टी विचो सब कुछ अगे विकास चलता पे है दो चीजा जिथे भी कौन गया उथे विकास होगा एक मिट्टी ते दूसरा पानी। जे मान लो मिट्टी बड़ी उपजाऊ होवे बड़ी जरखेज मिट्टी होवे ते जे पानी कोई नहीं आपां कहने जमीन बड़ी चंगी है पर पानी खुणो मार खा गई जे पानी हुंदा ते किड्डी जमीन ने फसल देनी सी। भारत विच बड़ियां थावां ऐसियां ने काली मिट्टी बहुत जरखेज मिट्टी उपजाऊ मिट्टी पर पानी कोई नहीं। आस्ट्रेलिया जो मीलां दे मील मिट्टी बहुत बुझाई उपजाऊ पर पानी कोई नहीं जिथे मिट्टी होवे उत्थे पानी होना अत लाजमी है क्योंकि पानी दे मिट्टी दे संगम नाल की अगों असी बनस्पति देखने गुरमुखो साड़ी मेरी तुहाड़ी सारियां दी बॉडी ये भी इकल्ले पानी नाल नहीं बनी ये भी मिट्टी ते पानी दे सुमेल नाल बनी है। गुरु साहब ने एक शब्द वरते है पानी मैला माटी गोरी जिन्हों खून ते ना पड़े रक्त बूंद का गारा पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी उंज ऐस जमीन नाल असीं किवें जुड़े हैं वेदांत एक गल कहिंदा चलो जिहड़ियां सच्चाइयां हुंदियां ने इहनूं अपने आप बन्नी दा नहीं हुंदी सच्चाई साडी है तुहाडी है चेते रखियो सच हमेशा दुनिया विच एक हुंदा है झूठ आपू अपने हुंदे हुंदे आ सच नहीं कदी दो हुंदा सच सिर्फ एक हुंदा है। इसे करके गुरु जी ने
ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸੱਚਾਈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸੱਚਾਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਾਕ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਕ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿੰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਯਮ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ, ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਚ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪਈ, ਬਾਕੀ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ, ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੇਤੀ ਸੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਸੱਟਾਂਗੇ? ਉਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਟਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਢਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਮਿੱਟੀ, ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭਾਂਡਾ, ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ? ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਲਾਂਗੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਛੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਰਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਿਆਣਪ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਕੂਕਰ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਗਿੱਦੜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਏਡੇ ਖੂਨਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਹਾੜ ਕੇ ਪਾੜ ਸਕਦਾ, ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੀ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇਹਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਪੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਵਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ। ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵਰਤਿਆ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਅੱਗ ਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ ਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਵਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਕੱਢਿਆ, ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੰਨ ਆਣੀ, ਅੰਨ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੇ, ਘਿਓ ਨੇ, ਅੱਗ ਨੇ,
इस बने कोई भोजन ने इस शरीर की संगत की जदों पकाया गया कि पवित्र पापी स्योतन गड्या थुक्कां पईयां तित इस भोजन की संगत करके भावें आप कहे जी बॉडी का सिस्टम है पर जदों कोई उदाहरण लैंदा है समझाने वास्ते पक्ष लिया जाता है तेरे शरीर की संगत करके जिहड़ा पाक पवित्र सी महाराज कहिंदे ने पापी स्योतन गड्या थुक्कां पईयां तित तेरी संगत करके जो मल खारज होया उहदे ते थुक्या गया। हालांकि गुरदेव ने यह उदाहरण एक मनमुख बंदे लई वरती जिहड़ा बंदगी नहीं करता। थुक्कां पईयां तित जित मुख नाम ना उचरै विण नाम है रस खाए नानक एवें जानिए तित मुख थुक्कां पाए। महाराज ने यह अंदर दी तेरी मलीनता हुण थोड़ा जाओ बाहर च एक देखिए असी शरीर नूं जितना मर्जी साफ कर लिए धो लीए क्योंकि अज गल चली भी कच्चे नूं कौन धोवेगा। आप इशनान की गल करनी जिन्ना मर्जी इहनूं स्किन नूं धो लो मांज लो अतर फरेला जो कुछ भी ला लो। गुरु साहब ने बाणी च एक जगह ते एक श्लोक मैं आप नूं जरूर सुनाना चाहांगा जिस विच अंदर दी चमड़ी दे थले दी मलीनता ते चमड़ी दे उपर दी मलीनता दोनों दी गल करके क्या भी वे हंकार ना कर तेरे वर्गा भांडा किसे दा मैला नहीं। गुरु साहब दा एक बचन हुंदा करपूर पोप सुगंधा जिहड़ी गाथा बाणी है ये इस बाणी दे विच है जी बचन ते आप सब नूं पता होवे भावां के कोश विच गाथा दरअसल असी कहानी नूं कहिंदे आ उंज वैसे गाथा जिहड़ी है वह जिस तरह असी पंजाबी कहने संस्कृत कहने पाली कहने पाली भाषा है तो जिमें आप संस्कृति कहने इस तरह गाथा भी एक भाषा है जिहड़ी महाराज ने शब्द वरते न एक गाथा संस्कृति तो थोड़ी जी वख है उच्चारण भी सानू इको जहा लगता है। गुरु साहब कहिंदे आ करपूर पोप सुगंधा मुशकपूर ते खिड़े कोई फुलां दा अतर कढ़ के सुगंधी करपूर पोप सुगंधा परस मनुखे देहे मलीनंग ये मैला भांडा है। मुशकपूर फुल अतर चोवा चंदन जो कुछ भी सुगंधी सी जदों तेरे इस मैले शरीर नूं स्पर्श कीती परस मनुखे देहे मलीनंग जदों इस देह नूं स्पर्श कीता वह कीमती सुगंधी वालियां चीज़ां भी मैलियां हो गईयां ते महाराज कहिंदे कारण मज्जा तेरे अंदर मिज पई है रुदर खून है दुर्गंधा गंध की एक पोटली है। नानक अथ गर्वेण अग्ञानो है अग्ञानी बंदे तू कदा हंकार करना है तेरी बॉडी इन्नी सुंदर नहीं क्योंकि कीमती सुगंधी वाली चीजा तेरी बॉडी की संगत करके भी बदबू वाली हो जाएं। मैं सिर्फ एक बेनती करा एक तो मलीनता हो गई जी चलो ये सब पता है जी। अगली गली जी गल महाराज कहिंदे आ एक मलीनता होवे जिहड़ी कई जन्मां तों नाल तुरी आउंदी है मलीनता उह कैसी है उह दिसदी नहीं पर तुर साडे अंतर जिहनूं गुरु साहिब ने सब तों पहला शब्द वरते है किव सचारा होई है किव कूड़ा टुटै पार उह मलीनता जिस दिन दे शुरू होया प्लस प्लस होई जांदी जिन्हां इस गल की समझ कहे वह नाल नाल जमा हो रही है। बाहर दे भांडे नूं धोलांगे तो गुरमुखो उस अंदर की मलीनता नूं कौन धोवेगा वह मन की मलीनता है वह फुरने की मलीनता है। ईवन के गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी च दास दे दिक्रज कीती सी मत की मलीनता है इस कच्चे भांडे के अंदर पंज धातां जिहड़ियां पाईयां पंज तत्तां दा पुतला बनाया एक किस विच होर मलीनता है जिहड़ी दस दिसदी कोई नहीं पर सच ए वो पूरी बॉडी नूं कब्जे च लई बैठी है। अखां च मलीनता कन्नां च मलीनता है जबान च मलीनता है हाथां च मलीनता है पैरां च मलीनता है। गुरु साहब कहिंदे इह तां कच्चा है ते जिवें तूं धोण तुरिया है इहने कच्चे नूं वी नहीं धोणा ते उह अंदर दी मलीनता वी नहीं धोवेगी ते यह भी सच है यह सिर्फ भांडा है किसी कारज सिद्धि वास्ते वे इस भांडे विच जिहड़ा पात्र है उस पात्र ने भी सदा नहीं रहना इन्हें बिन सुना है थोड़िया जिहा असी बाणी चो होर बचन लै लीए
गुरु साहब ने कई थावां ते कई की वखरे वखरे अलंकार वरत के समझ पै जाए। दो शब्द मैं अपना सांझे जरूर करने ने, हो सकता है आपने कीर्तन भी सुने भी कौन। एक तो शब्द है जिस विच गुरु जी इस ढांचे की इस ढांचे विच रहिंदे होए दी आपसी गलबात कराते हैं। यूं शब्द वरता अपने काया दा ते आत्मा दा आपसी गलबात कराते हैं। एक शब्द विच गुरु साहब इकले संबोधन करते हैं ते काया नूं कह रहे हैं ये भांडे की कीमत क्यों है जी, इस भांडे की कीमत तां इहदे विच कोई वस रहा है ते जदों इहदे विच वसदा होए ना रहा इस भांडे की कोई कीमत नहीं सी। सारे जाने एक शब्द है महाराज जी का, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ। गुरु साहब का इस शब्द नूं कहिंदे खुश किस्मत ने जिन्हां नूं नाशवानता देख के यह बैराग पैदा हो जाता भी नहीं सब कुछ ये नहीं इस तो अगे भी कुछ है। फिर बिनती, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ। दर्शन देखने का उमाक है, मन विच बैराग आ गया। धन सो तेरा थान तेरा टिकाणा धनता जोगी रहाओ दियां तुकाने। ये शब्द शुरू हुंदा तिचर वसें सुहेलड़ी जिचर साथी नाल जां साथी उठी चलिया तां धन खाकू राल। गुरमुखो मैनू पता है कई सज्जन ये अर्थ यूं भी करते हैं पति पत्नी नाल जोड़ के भी पत्नी की कीमत उन्नी देर तक है जिन्नी देर तक जीवन साथी है, जिदन वह चलाना हो गया तेनों किसी ने पूछना नहीं। ये अंतरीव अर्थ की ने तिचर वसा सुखेलड़ी। गुरु साहब कहने हे काया तू उन्नी देर तक सुखी है सोहेली है जिचर साथी नाल जिन्नी देर तक तेरे भांडे विच पिया होया पात्र जिन्हों जीव आत्मा कहने जिन्नी देर तक वो तेरे नाल है तिचर वसें सुहेलड़ी जिचर साथी नाल जां साथी उठी चलिया। जदों वो साथी निकल गया अंदरों गुरु साहब कहने तां धन खाकू राल। आ जिहड़ा कच दा भांडा सी जिन्हों क्या कच्चा है जदों साथी तेरे चो निकल गया ते सच एवे इस काया रूपी इस्त्री ने जी मिट्टी दे विच मिट्टी हो जाना है। इहदे भाव अर्थ इहने तिचर वसें सुहेलड़ी जिचर साथी नाल जां साथी उठी चलिया तां धन खाकू राल। मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ धन सो तेरा थान। अगले बचन ने जिचर वसिया कंत घर जिन्नी देर तक आत्मा कंत घर है। महाराज कहने जियो जियो सब का हाथ, हर बंदा जी जी कह के पुकारता जी आया नू कहने सच एवे ज्यौंदिया नू जी आया कहा जाता है, मरिया नू कदी किसी ने जी आया नहीं किया। ओही परिवार ओही घर ओही सारे जी होन। बेनती जे मान लो जिस बंदे दा संस्कार करके आए अपने हथी वह सब कुछ उहदा सी मर्यादा निभा दित्ती ओही उसे कमरे विच किते मंजे ते बैठा मिल जाए कोई बंदा उन्हूं गुलवकड़ी पा के नहीं मिलेगा, चीक मार के बाहर निकलणगे क्योंकि उस बॉडी तो फिर डर लगन लग पैंदा है। सुपने विच भी कोई पसंद नहीं करता। ये साडे गुरमुख प्यारी एक बहुत सोहणी गल कहिंदे हुंदे सन, वह कहिंदे सन बंदिया चलो ये अपने ती वी टिकाना पिया ये जिन्ना कुछ हजूम इकट्ठा होया ही ये सिर्फ उस करके जिहड़ा अंदर तेरे बोलदा पिया उहनूं संभाल। वह शब्द कहिंदे सन जिन्नी देर तक तेरे कोल शौहरत पैसा पदवी दौलत है हर बंदा चाहुंदा तू मेरे घर आ, हर कोई चाहेगा तू मैनूं मिल तेरे नाल संबंध बनाणगे। पन के एक गल चेते रखी जिद्दन इस भांडे नूं छड्ड दित्ता उदन तेनू परिवार ने सुपने विच भी रोज देखना पसंद नहीं करना। तू रोज सुपने विच इस्त्री दे सुपने च बच्चियां दे सुपने च जां इस्त्री पति दे सुपने च आए कहिंदे कुछ दिनों बाद बंदा सच्ची मुची गुरुद्वारे चला जांदा है। वह कहिंदे अगली गल जिहड़ी ने कही कहिंदे सब कुछ करना है घर लई करना है पर अज तक गुरुद्वारियां विच इकट्ठे होके घोर अरदास करदे ने दाता जी
इस बंदे नूं अपने चरणा च रखी वापस घर ना कर ली। भावें सी शब्द तां कहिंदे अपने चरणा च निवास दई, इतना कहिंदे दुबारा बैडरूम च फिर चला जा, नहीं कहिंदे ना। असीं कहिंदे नूं चरणा च निवास दई। ते गुरु साहिब देखो शब्द की वरत रहे आ कि देख कि जिन्नी देर तक वो सारे जी जी कहणगे, जिचर वसिया कंत कर जियो जियो सब का हाथ, जां उठी चल सी कंतड़ा तां कोई ना पुछे तेरी बात। किसी ने भांडे नूं नहीं पुछना, कोई ना पुछे तेरी बात। महाराज शब्द वरदे आ कि तू अपने आप नूं संभाल। फिर इस शब्द नूं तिचर वसै सुखेलड़ी, जिचर साथी नाल जां साथी उठी चलिया तां तन खाकू राल, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ, धन सो तेरा थान रहाओ, जितर वसिया कंस घर जियो जियो सब का हाथ, जां उठी चल सी कंतड़ा तां कोई ना पुछे तेरी बात। ते महाराज अगे कहिंदे आ सब ना सहुरे वंजना, सब ने सहुरे कर जाना है। ये सब लई पेका घर है ना, जिथे आपां टिके। थोड़ी सुहिरदता नाल बेनती सुनियो, क्योंकि अज महाराज ने दोनों पक रखे आ। ये कच्चा है, इन्हें टुट जाना है, इन्हें बिनसना कह, इन्हें सदा नहीं रहना। यह मैल कमाई जाते ही, इन्हें मैल कमा ली, इन्हों ते सड़ जानी अखा कन्ना ने जिहड़ी कट्ठी करके तेन देंदे पए ने, यह तेरी आत्मा नाल तेरे अंदर नाल अगे तुर पैनी है। ये इन्हू थोड़ा जिहा होर बरीकी च आपां बाणी च देखांगे। महाराज कहिंदे सब ना सहुरे वंजना, सारिया ने सहुरे कर जाना है, पेवे पेके घर नूं छड के। सब मुकलावन हार, सब दे मुकलावे जाणगे। नानक धन सुहागनी जिन शह नाल प्यार, धनता जोगो वे जिदा अपने साई नाल प्यार बन गया। हुण इत्थे सतगुरु ने सिर्फ काया नूं संबोधन किया। हुण एक शब्द मैं आप नूं होर बेनती करांगा, उस विच पति ते पत्नी दा संवाद है। एक शब्द पढ़दिया मैं आराम होया, उत्थे भैण ते वीर दा संवाद है। गलबात है आत्मा दी ते काया दी। एक मारू राग शब्द हुंदा जी कि धन कहे तू वस मैं नाले। देखियो एक काया की कहिंदी है ते आत्मा की जवाब दिंदा है। इत्थे काया जिहड़ी उहनूं इस्त्री लिंग च लिया है बॉडी नूं, ते आत्मा नूं पुलिंग च लिया है महाराज गुरु अर्जुन साहिब ने। धन कहे काया कह रही है आत्मा नूं तू मेरे नाल रही। धन कहे तू वस मैं नाले, प्रह सुखवासी बाल गोपाले, प्रह दर्थे प्यारा बाल गोपाले। ये सोहणिया बचपन तो तेरा मेरा रिश्ता है, असी कट्ठे तुरे हैं। धन कह तू वस मैं नाले, प्रह सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो कित की ना लेख है। जिन्हू समझ पैंदी थोड़ी थोड़ी, काया ये गल कह रही है आत्मा तेरे तो बिना मेरी कोई कीमत नहीं, किसे ने पूछना मैनू, तुझे बिना हो कित की ना लेखे। आत्मा कहिंदा दस बचन दे छोड़ ना जा साहे, तू मेरे नाल वादा कर मैनू कदी छड़ के नहीं जाएगा। गुरमुखो कोई डराउण दी गल नहीं, ये वो सच्चाई है जिहड़ी मेरे घर च वापरी, तुहाडे सारिआं दे घरां च वापरी। घरां च नहीं केवल वापरी, जिहड़ी साडे शरीर नाल वापरन वाली है। इहदे ते कोई अखां बंद ही नहीं कर सकदा। ते उंज भी जदों जन्म तो आपां शुरू हैं, दो ही गल्लां मैं कहिंदा हुंना। गुरबाणी कहिंदी एक तां दाणे तैनूं खिच्ची लई जांदे ने, जिथे जिथे तू चुन्ने ने उत्थे पहुंचना है। ते दूजी गल दाणिया दे नाल नाल मौत तैनूं खिच्ची लई जांदी है, जिथे तेरा अंतला पड़ा होना मौत तैनूं उत्थे पहुंचाना है। एक ते दाणे ना नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाणे तहां खाने नानका सच है। पुराने कथाकार एक बहुत सोहनी गल सुनांदे सन गाथा रूप, कि किसे बंदे नूं समझाउण लई मौत मौत आई कि दस दे कल तू मर जाना। वह कहिंदा मैं तां थां छड्ड के चला जांगा। वह जी उहने घोड़ी पकड़ी, इह समझाउण लई जी घोड़ी पकड़ी ते लाई अड्डी घोड़ी नूं, अड्डी शब्द समझने ना जी, घोड़ी नूं छांटा नहीं सी मारिया जांदा, कई मारदे हुंदे ने पिछे भजाण वाले, पर अड्डी नाल ही इशारा समझ के घोड़ी दौड़ पई। सारा दिन दौड़दा रहा, इस करके कहिंदा हुण ते पिंड तो बड़ी दूर आ गए हां, हुण की डर। जदों शाम पै गई, घोड़ी थक गई, ये उतरिया थले रुख दे थले बैठ गया। इन्नी देर नूं बैठे दे मोढ़े ते किसी ने हाथ रखिया, इन उत्ते देखिया,
ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵੇਂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।